हेलो व्यूवर्स, इस लॉकडाउन में हम आटे की शाही सब्जी बनाते हैं, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आटे की शाही सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल आटा लेंगे और इसे एक परात में या एक थाली में डाल देंगे और इसमें हम एक छोटा चम्मच तेल, आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और उसे हम हाथ से इस तरह से क्रश करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारे पाम में, हथेली में जो गर्माहट होती है, उसी से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस तरह से करें और इसे डाल दें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें हम एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच हम हल्दी डालेंगे और इसे सबको मिलाकर हमें एक रोटी जैसा, जिस तरह हम रोटी गूंथते हैं ना, रोटी का आटा बनाते हैं, चपाती का आटा बनाते हैं, इसी तरह हम इसका एक आटा बनाएंगे सॉफ्ट। इन सभी को मिलाकर अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक चपाती जैसा हम आटा गूंथ लेते हैं। यह राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी है। इसका एक स्टोरी है जिसे मैं आपके सामने शेयर करूंगी आपके साथ, कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ की औरतें क्या करती थी कि जब रोटियाँ बन जाती थी तो आटा थोड़ा बच जाता था तो वो एक बोल में निकाल लेती थी और एक थाली के अंदर पानी डालकर उस बोल को उसमें रख देती थी ढककर। लेकिन बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से वो आटा ख़राब हो जाता था तो उसे फेंकती नहीं थी। वो उसे क्या करती थी, वो पानी से अच्छी तरह से धोकर उसका जो भी बासीपन होता था या खट्टापन होता था उसे वह धोकर निकाल देती थी और फिर उसका जो आटे का पूरा जो स्टार्च निकल जाता था तो उसके अंदर जो आटे में ग्लूटेन होता है वो बच जाता था, तो उसी के अंदर मसाला वगैरह डालकर ये सब्ज़ी वो बनाया करती थी और वो बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन जाती थी। तो वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई है इस सब्ज़ी की। ये सब्ज़ी सच्ची में खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट भी नहीं है और नरम भी नहीं है, तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे कि जैसे आटा हमारा और भी मुलायम बन जाए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 लाल टमाटर लिए हुए हैं, मीडियम आकार के हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, खरबूजे के बीज हैं और काजू का टुकड़ा है, 2 मीडियम आकार के प्याज हैं और आधा छोटा चम्मच जीरा है। तो इन सभी को मैं फाइनली काट कर मैं मिक्सी जार में एक महीन सा पेस्ट बना लेती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा सेट हो गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा और चिकना आटा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इस पर थोड़ा सा हम लगा देंगे जिससे कि एकदम चिकना हो और चिपके नहीं। जिस तरह पनीर के हम क्यूब्स काटते हैं ना, पनीर का इस तरह से शेप होता है तो हम स्क्वायर काटते हैं, तो हम अपना जो ये आटे का सब्जी बना रहे हैं उसे हम पनीर के शेप देंगे। क्यूब्स में काट लूँगी तो सबसे पहले यहाँ से काटूँगी मैं, तो स्क्वायर पीस अच्छे से निकलेगा मेरा। आप तिरछा भी काट सकते हैं, इसका लंबा भी काट सकते हैं, गोल भी बनाकर आप बना सकते हो ये सब्ज़ी को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पनीर जैसा शेप में काट कर बनाऊँ तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। आप गट्टे की सब्ज़ी की तरह भी लंबा लंबा बनाकर उसे बॉईल करके आप बना सकते हो, लेकिन मुझे पनीर के शेप में चाहिए था इसलिए मैं इस तरह से काट रही हूँ। छोटा बड़ा आपको जैसा भी पीस चाहिए आप उसे काट ले। तो
सारे पीसेस मैंने इस तरह से काट लिया है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि ये देखिए ऐसे पीसेस आपको मिलेंगे, इसे आप शेप दे दीजिए। आटा है तो चिपकेगा, तो ये देखिए इस तरह से ऐसा लगेगा कि हम पनीर की सब्जी खा रहे हैं। अब हमें आटे को उबालना है, तो हम क्या करेंगे, एक पैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे। एक छोटा चम्मच तेल जिससे कि आटा चिपके नहीं, और थोड़ा सा स्वाद देने के लिए उसमें थोड़ा सा नाम भर के लिए नमक डालेंगे। और जब ये पानी उबलने लगेगा तब हम अपने पीसेस को इसमें डालेंगे। ये देखिए पानी उबलने लगा है, अब धीरे धीरे हम इन पीसेस को इसमें डाल देंगे। और जब तक उबालेंगे जब तक कि ये पूरा हमारा ऊपर ना आ जाए तैर के, तब तक हम इसे उबालेंगे। हम ढक देते हैं, ये देखिए सारा तैर कर ऊपर आ गया है। इसका मतलब कि हमारा जो मैंने आटे का बनाया था वो एकदम अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसे अब क्या करेंगे, हम इसे हम छान कर रख लेंगे, लेकिन ये पानी हम फेंकेंगे नहीं। जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इसका हम यूज़ कर लेंगे। तो पानी से ऊपर, पानी के ऊपर जब तैर रहा है तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक गया है। तो इसे मैं छान लेती हूँ। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम देसी घी डाल रहे हैं, और देसी घी में हम इस सब्ज़ी को फ्राई करेंगे, क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने आटे का बनाया हुआ है, क्यूब्स काटे हुए हैं, तो इसे मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। और जब तक ब्राउन कलर नहीं आ जाता, दोनों तरफ से मैं हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी इसे। ये देखिए अब हमारे आटे के क्यूब्स में सुनहरे कलर आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे और फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, इसे हम ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी ग्रेवी है इसमें अंदर नहीं जाएगी। तो इस स्टेज पे हम इसे उतार लेते हैं। आटे के क्यूब्स को जो मैंने फ्राई किया था उसका घी अभी देखिए बच गया है, और घी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाल लीजिए। इस सब्ज़ी को हम घी में ही बनाएंगे, तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं 2 तेज़पत्ता डाल दूँगी, और 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना, सौंफ और ज़ीरा का इसमें इस ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इनको डालकर हम थोड़ा सा चला लेते हैं, कि थोड़ा सा मेथी दाना और ये सौंफ और ज़ीरा थोड़ा सा लाल हो जाए। हमारा मसाला भुन चुका है, मेथी, ज़ीरा और सौंफ। अब हमने जो पीसा था ना मसाला, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, काजू और मगज़, तो इसे मैं अब धीरे धीरे डाल दूँगी। अब इनको हम भूनेंगे, जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता, तो इसे हमें 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पर हम इसे भूनेंगे। घी हमारा साइड से छूटने लगा है। अब इस स्टेज पे हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है। और इसे हम फिर से पका लेंगे जब तक कि तेल ऊपर तैरने नहीं लगता। साइड से घी छूट चुका है, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। ये गरम मसाला है जिसे मैंने घर में ही कूट कर बनाया है। इसे डालती हूँ तो कोई भी सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो एकदम उभर कर आता है। तो इसकी रेसिपी मैं जल्द ही डालने वाली हूँ अपने YouTube चैनल से। अब इसमें हम थोड़ा सा घर का जो दूध के ऊपर जो मलाई होता है ना, तो 1 स्पून में डालूँगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें खरबूजे के बीज और काजू से इस ग्रेवी को मैंने शाही बना दिया है। लेकिन ये इसे डालने से, मलाई डालने से इसका स्वाद और भी उभर कर आएगा। और मैं
इसे शाही बनाने के लिए और खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने टमाटर जो डाला है वो मेरी खट्टी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा मुनक्का डाल रही हूँ। तो इसमें सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना, जब ये एक दो मुंह में आएगा ना तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो इसे आप ज़रूर डालें, अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, और जो पानी मैंने उबालते समय निकाल कर रखा था ना अपने क्यूब्स को, आटे के क्यूब्स को, तो मैंने बचा कर रखा था, उसे फेंका नहीं था, क्योंकि उसमें हमारा नमक हल्दी और थोड़ा तेल था, ये देखिए इसका पानी। तो मैं अभी, मुझे जितना ग्रेवी गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी, जिससे कि जो ग्रेवी है हमारे वो आटे के क्यूब में चला जाए। तो आधा पानी मैं डाल देती हूँ, आधा ग्लास पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से उबालती हूँ। हमारी ग्रेवी उबलने लगी है। अब इस ग्रेवी में जो हमने क्यूब्स को फ्राई करके निकाला था ना, ये आधा से ज़्यादा मेरे बच्चे खा चुके हैं, जो बच गया है मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ। बहुत टेस्टी है ये, तो इसे मैं डाल देती हूँ। एज अ स्नैक्स भी बहुत अच्छा लगता है ये, कोई भी सॉस, टमेटो सॉस या चिली सॉस या हरी चटनी के साथ में इसका आनंद ले सकते हैं आप। लेकिन जो बच गया है मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इन लोगों को ऐसे ही फ्राई करके दे दूँगी मैं स्नैक्स के लिए। आपको ग्रेवी जितना गाढ़ी पसंद हो, क्योंकि मुझे गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, तो मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूँगी। इसे हम सिर्फ 5 मिनट तक, जब तक हमारा घी पूरी तरह से ऊपर नहीं आ जाता, इसे धीमी आंच पे हम 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, जिससे जो ग्रेवी है वो हमारे इस आटे के क्यूब में चला जाए। ये देखिए सारा घी ऊपर आ चुका है हमारे सब्ज़ी पे, यानी कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस बंद करते हैं। अब इसमें मैं अपना तड़का लगाऊंगी। जब ये सब्ज़ी को आप खाएंगे तो रेस्टोरेंट को याद करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, एक नारियल के टुकड़े को हमने गरम किया है, उसे इस तरह से कटोरी में भर के हम इसमें जगह करेंगे और इसको इस तरह से रख देंगे। नारियल के टुकड़े को मैंने गरम कर दिया है गैस पे और एक कटोरी में डालकर रख दिया है। इसे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसको हम तुरंत ही 5 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि सारा स्मोक इसमें आ जाएगा और एक रेस्टोरेंट जैसा, जिस तरह आप पनीर खाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो कैसा टेस्ट आता है स्मोकी फ्लेवर का। तो जब ये सब्ज़ी आप खाओगे तो आपको लगेगा कि हम होटल का खा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने स्मोकी फ्लेवर दिया है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। नारियल का छिलका हमेशा आपके घर में इस तरह से पड़ा मिलेगा, मैं हमेशा रखती हूँ इसे। और कुछ स्पेशल बनाना हो या अपनी सब्ज़ी को एक नया ट्विस्ट देना हो या होटल जैसा टेस्ट देना हो, तो मैं इसका उपयोग ज़रूर करती हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। 5 मिनट हो गए हैं तो इसे हम ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए सारा फ्लेवर इस ग्रेवी में, इस सब्ज़ी में आ गया है। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। हम धनिए की फ्रेश पत्तियों से और अपने घर की मलाई से हम इसे गार्निश करेंगे। इसे गार्निश की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका कर रहे हैं यूज़। आप इसी तरह सर्व कीजिए, बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी भाजी बनी है। लॉकडाउन में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।